हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका कुकिंग कमलेश में। आज मैं आपको तीन तरह के शरबत बनाने सिखाऊंगी जो घर की चाशनी से हम बनाएंगे। जो चाशनी हमारी, उसमें ये खास बात है कि वो कभी भी आपकी चाशनी जमेगी नहीं। तो चलिए अब हम अपनी चाशनी बनाने की तैयारी करते हैं, फिर मैं आपको शरबत बनाना सिखाती हूँ। हम चाशनी बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए हमने 1/4 कप पानी लिया है और ये 250 ग्राम मैंने लिए चीनी। अपनी गैस को करते हैं चालू और इसको हमने पानी के अंदर घुलाना है। कोई चाशनी ऐसी नहीं बनाएंगे जो हम तार देखें कि एक तार की है कि दो तार की है, सिर्फ हमें चीनी को इसके अंदर घुलाना है। और हम ऐसी चाशनी बनाएंगे जो कभी भी आपके लिए जमेगी नहीं, वो मैं आपको ट्रिक बताऊँगी एक, उससे आपकी चाशनी कभी नहीं जमेगी। चाहे आप फ्रिज में रखिए, चाहे आप बाहर रखिए नॉर्मल टेम्परेचर पे, और चाहे साल भर भी रखेंगे तब भी वो जमेगी नहीं, क्रिस्टलाइज नहीं होगी आपकी चीनी कभी भी। ये सिर्फ ऐसा बन के तैयार हो जाएगी और इसी से ही आप एक या दो तीन शरबत आप बना सकते हैं अलग अलग फ्लेवर के, वो आपके बन जाएंगे। आप अभी देखिए मेरी चीनी घुलने लगी है, पानी गर्म होने लगा है। ये आप चाशनी आप बना के रखेंगे तो बहुत ही फ़ायदा रहता है, क्योंकि गर्मी में बच्चे बहुत तंग करते हैं ठंडा पीने के लिए, कभी ये ठंडा कभी वो ठंडा। तो इसलिए जब हमारे पास ये होगा बना हुआ तो हम फटाफट उन्हें नए नए तरह के शरबत फ्लेवरफुल और कलरफुल बना के हम लोग उन्हें पिला सकते हैं। बहुत ही इजी और आसान रेसिपी होगी ये, एक बार बनाएंगे तो बार बार आप बना के पी सकते हैं इसे। वैसे तो मेरी चीनी बिल्कुल चाशनी साफ है और हम इसके लिए इसके अंदर डालेंगे 1/2 से भी 1/2, यानी कि बिल्कुल आधे से आधा इसके अंदर सिट्रिक एसिड, जो हमारी चाशनी को साफ करेगा और एक अच्छा सा फ्लेवर ला के देगा। और इसके अंदर फिर हम डालेंगे थोड़ा सा पिंक सॉल्ट, जिसको हम सेंधा नमक बोलते हैं, और हम इन दोनों को मिलाएंगे। अब मेरे को 1 कप मैंने पानी उबलने रखा हुआ है, जो कि हमें खौलता हुआ इसके अंदर डालना है, वो भी थोड़ा थोड़ा करके। इसमें उबल आ गया है, थोड़ा थोड़ा करके मेरे को उबलता हुआ पानी इसमें डालना है और अपनी चाशनी को चलाते रहना है। और ये मैंने 250 ग्राम चीनी इसके अंदर अब दोबारा डाला। अब आप देखिए गैस को मैंने तेज ही रखना है। अब थोड़ी देर में आप देखेंगे चीनी हमारी जो चाशनी है वो गाढ़ी होने लगेगी और ना जमने वाली, इस तरह ही रहेगी हमेशा रनिंग फॉर्म में। ये देखिए चाशनी हमारी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है, अभी मैं इसको 2-3 मिनट और उबालेंगे। लीजिए आप देखिए हमारी चाशनी कितनी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसको यहीं पर ही, मैं अपनी गैस की फ्लेम को बंद करती हूँ और फिर हम और इसको 2 घंटे बाद देखेंगे कितनी गाढ़ी हुई है, फिर मैं आपको इसके अलग अलग तरह की शरबत बना के दिखाऊंगी। अब मैं गैस को बंद करती हूँ और अपनी चाशनी को ढक देती हूँ। ये देखिए हमारी चाशनी कितनी गाढ़ी हो गई है, ये मैं आपको ठंडा करने के बाद दिखा रही हूँ। और ये ठंडा करने में देखिए ज़रा भी जमी नहीं है, ना ही इसमें कोई किसी तरह का क्रिस्टल आपको नज़र आ रहा है। ये हमेशा ही ऐसी रहेगी, चाहे आप इसको बाहर रखिए फ्रिज से, चाहे आप अंदर रखिए। अब मैं आपको इसके 3 शरबत बना के दिखाऊंगी।
मैं देखिए इन तीन बॉटल्स को मैंने धो के सुखा के रखा हुआ है। अब मैं इनके अंदर ये अपने फूड कलर डालूंगा। ये मैंने डाला ग्रीन कलर, ये रेड कलर। देख सकते हैं मैंने तीन तरह के शरबत आपको बना के कलर करके दिखा दिए। ये हमारा रेड कलर का जो है रुआबजा का शरबत बन गया है, ये हरे रंग का हमारा खसका बन गया है, और ये हमारा बन गया है मैंगो। बच्चों को मैंगो फ्रूटी बहुत पसंद होती है, वो फ्लेवर भी बहुत पसंद होता है, वो कलर भी बहुत पसंद होता है। तो हम लोग अब मैं आपको ये सब चीज़ें तीनों शरबत बना के दिखाती हूँ। ये जो बॉटल में मैंने रखे हुए हैं, आप चाहे इन्हें 6 महीने रखिए, चाहे इन्हें आप साल भर रखिए, बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, ये बिल्कुल भी जमेंगे नहीं। चाहे फ्रिज में रखिए, चाहे फ्रिज से बाहर रखिए, ये हमेशा एज इट इज़ रहेंगे। अब मैं आपको शरबत बना के दिखाती हूँ। अब आप इन गर्मियों में इनको एंजॉय कर सकते हैं। ये रुआबजा फ्लेवर हो गया, ये खस फ्लेवर हो गया, ये मैंगो फ्लेवर हो गया। आपको मेरी ये बनाई हुई रेसिपी शरबत की कैसी लगी, प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में लगे आइकन बटन को आप दबाइए, जिससे आपको मेरी नई नई वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।